वार्ड नंबर 11, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े हैं। कुछ जिनको मैंडेट मिलना चाहिए था पार्टी से वो नहीं मिला, उनकी रिजेंटमेंट है और वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो लोकल बॉडीज़ में मेरे हिसाब से पार्टी का कोई इतना लेना देना होता नहीं है। एक बंदे का पर्सनल होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो। तो हमें किसी भी पार्टी का पक्ष लेना नहीं चाहिए। जो बंदा जायज़ लगता है, हाँ भाई ये कर सकता है, चाहे उसको मैंडेट मिला है या ना मिला है, वो इंडिपेंडेंट खड़ा है, तो हमें उसी का साथ देना चाहिए। एक सवाल आपसे जी, हमें पता लगा है कि बीजेपी ने जो है टिकटें अपनी 10-10 लाख में बेची हैं। नहीं, इस चीज़ के ना ही मेरा कोई इल्म है। सर, इस पे एलिगेशन है और बात हुई हुई है। नहीं, लाइव भी चला हुआ है और रविंदर रैना जी के घर में जो उनका क्वार्टर, जो उनको मतलब होस्ट एमएलए का क्वार्टर मिला हुआ, उसमें ये एलिगेशन लगे हैं आगे। नहीं, आप इसके बारे में क्या कहो? इस मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही मेरे को कुछ। नंबर 47 में और 50 वार्ड नंबर जो छन्नी हिम्मत की लेडी है सोनी गुप्ता जी, उन्होंने पूरा ही एलिगेशन लगाया कि 10। हो सकता है उनके पास कोई प्रूफ हो, ना ही मेरा कुछ इनसे पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना है। पर वोटर ज़रूर हूँ, अपना वोट में एक जो अच्छे कैंडिडेट होगा मेरे वार्ड से, मैं उसी को डालूंगा, चाहे वो किसी पार्टी का होगा या इंडिपेंडेंट होगा। आप इस बात को मानते हो कि बीजेपी ने अपने बंदों को नाराज किया हुआ है? मैं इस ना ही मैं इस चीज़ का, हाँ बिल्कुल है। देखिए, पार्टी का ऐसा होता है कि मैंडेट तो एक बंदे को ही मिलना है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, काम इतना किया हो। हाँ, पर मेरे हिसाब से इस बार मैंडेट किसी अच्छे आदमी को नहीं मिले गए हैं, बहुत सारे वार्ड में, मेरे वार्ड में भी ऐसा है, मेरे वार्ड में भी ऐसा है। पर्सन मेरे से पूछा जाए तो मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मैं तो उसको ही वोट डालूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि वही एक अच्छा कैंडिडेट है। अदरवाइज़ ऐसे तो कोई भी उठ के बोलता मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे उनको पता ही नहीं है कॉर्पोरेटर होता क्या है, उसके इख्तियार क्या है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता इलेक्शन का। वैसे खड़े हैं जहाँ किसी का, मान लीजिए कोई बड़ा फेवरिज्म है, वो अपने बंदे को खड़ा करता है। पार्टीबाजी में यही कुछ है, पर लोकल वार्डिज में कोई पार्टी देखनी ही नहीं चाहिए। बंदा को देखो, बंदे की इमेज क्या है, और अपने अपने वार्ड का होता है मोस्टली, तो छोटा मोहल्ला है अपना, तो जो हमें अच्छा कैंडिडेट मिलेगा वही। मेरे को लगता है, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दूंगा।